गुड मॉर्निंग बच्चों, आज लेजर एक्सपेरिमेंट का वाई वाइज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, लेजर लेजर इज ए मोनोक्रोमैटिक लाइट। देखिए, आप रेड कलर, प्योर रेड कलर, प्योर ग्रीन कलर, प्योर ब्लू कलर, सो सब दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ओके राइट, बैक जाएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लेजर एंड हाउ डज इट वर्क्स। फर्स्ट, व्हाट इज अ लेजर? लेजर का मतलब लेजर एक्रोनियम बोलिए, सो लेजर फुल फॉर्म बोलिए। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिम्युलेटेड। ओके बच्चों, स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्टिम्युलेटेड दिया था। सो ही लास्ट द क्वेश्चन ही, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो आगे स्लाइड में पढ़ेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर सिस्टम। ओके, थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स, मतलब थ्री एसेंशियल क्या है अपने लिए। ओके, फर्स्ट वन जो भी है गेन मीडियम, एंड ये वाला था अपना गेन मीडियम। ओके, इंडिया का क्रिस्टल जो भी है गेन मीडियम, जहाँ पे आपका लेजर एम्पलीफाई होगा, अभी डिस्कस करेंगे वो ऑप्टिकल कैविटी। ओके, ये था मिरर लगा के आपके ऑप्टिकल कैविटी बना दिए थे, और ये पंपिंग मैकेनिज्म, पंपिंग मैकेनिज्म फ्लैश ट्यूब दिए थे आप, तो ये पंपिंग मैकेनिज्म था आपका। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। चलिए, सो व्हाट इज हियर, ऊपर के स्लाइड में व्हाट इज द गेन मीडियम, गेन मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। गेन मीडियम इज द मेटीरियल विथ क्वांटम प्रॉपर्टीज दैट अलाउ इट टू एम्पलीफाई द लेजर बीम। मेटीरियल कौन सा मेटीरियल था यहाँ पे, मैं बताया था यहाँ पे आके इंडिया ग्लेजर था यहाँ पे, सही है ना? यहाँ पे इंडिया ग्लेजर था। सो इंडिया ग्लेजर इज आवर गेन मीडियम। ओके, इंडिया ग्लेजर, मैं पेन ले लूंगा। सो दिस इज योर इंडिया ग्लेजर, राइट? हाँ, यहाँ पे। सो दिस इज योर, दिस इज योर, सो गेन मीडियम। ओके, सो मीडियम द क्वांटम प्रॉपर्टीज अलाउज टू एम्पलीफाई द लेजर बीम। यहाँ पे एम्पलीफाई होगा ना, इसके अंदर ही में होगा। सो टाइप्स ऑफ गेन मीडियम्स, कितने टाइप्स है आपके पास? है जो भी है, एक ग्लास लेजर है। ओके, सो ग्लास के कौन से है? ग्लास लेजर में क्या करेंगे आप? सो जनरली हीलियम नियॉन लेजर, CO2 लेजर्स, उसे मिक्स करेंगे, राइट? सो सॉलिड है यहाँ पे, सॉलिड क्या है? एनडीआर लेजर है, वाई बी एनडी, एनडीआर का मतलब एनडी वाई ए जी, वाई बी वाई ए जी। ओके, याग लेजर्स ये पूरे, राइट? क्लियर। सो लेजर डाइस है, लिक्विड फॉर्म में है डाइस। सेमीकंडक्टर्स है, जैसे गैलियम नाइट्राइड, इंडियम गैलियम, सेमीकंडक्टर मटेरियल सभी। सेरामिक है, सेरामिक मतलब मिक्सचर ऑफ दैट, मिक्सचर ऑफ ये पूरे एलिमेंट्स है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे आप, राइट? मैं ले लूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द गेन मीडियम। अब गेन मीडियम चाहिए तो क्या प्रॉपर्टीज होना है? हाई ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी रहना चाहिए, हाई क्वांटम एफिशिएंसी। थोड़े मैंने लिस्ट दे दिया था, आपको जरूरत है तो ये यूज करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वन ऑप्टिकल कैविटी। उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में ही ऑप्टिकल कैविटी क्या है? द ऑप्टिकल कैविटी आर एन ऑप्टिकल रेजोनेटर, दोनों भी एक ही वर्ड है। सो मे बी डिस्क्राइब्ड एज एन अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स। देखिए दोनों अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मिरर्स अरेंजमेंट करे थे हम यहाँ पे। सो ये वाला देखिए मिरर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक मिरर है अरेंजमेंट। ओके, सो स्टैंडिंग लाइट वेव रेजोनेटर, मतलब क्या, मिरर करने से क्या होगा? एम्पलीफाई होगा, और सो स्ट्राइट लाइन मिल जाएगा आपको। स्ट्राइट ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैविटीज आर अलॉन्ग देयर ऑप्टिकल गेन एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजर्स ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर्स एंड लाइट इंटरफेस। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कैविटी है अपने पास। मैंने प्लेन मिरर लिए थे यहाँ पे फर्स्ट में, एम्पलीफाई होगा। कर्व मिरर लिए थे, ओके, यहाँ पे कर्व, थोड़ा सा कर्व में थिक ले लिए थे, सो डिफरेंट डायरेक्शन में लगाया था यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कैविटी यू हैव, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑप्टिकल कैविटी? सो द प्रोड्यूस दी स्टैंडिंग लाइट वेव्स, प्रोड्यूसिंग दी स्टैंडिंग लाइट वेव्स, यहाँ पे वर्ड दिया देखिए। सो एक ही वर्ड में आप सीखना है, व्हाट इज ऑप्टिकल कैविटी मतलब। सो इट हैज टू मिरर्स एंड प्रोड्यूसिंग दी स्टैंडिंग लाइट वेव्स, ऐसा बोलना चाहिए आप। चलिए, सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेजर? ये अपना थियरी में है और जो भी है एक्सपेरिमेंट में भी है। सो लेजर लाइट देखिए, लेफ्ट साइड लेजर लाइट मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड जो भी है लेजर लाइट, राइट साइड जो भी है ऑर्डिनरी लाइट। लेजर लाइट देखिए मोनोक्रोमैटिक, मोनो का मतलब क्या है? वो सिंगल, सिंगल वेवलेंथ रहेगा, मतलब सिंगल कलर लिखाएगा। मैं पहले स्टार्टिंग में स्लाइड में दिखाया था सिंगल कलर। ओके, पॉलीक्रोमैटिक, नॉर्मल लाइट में पॉलीक्रोमैटिक मतलब मल्टीपल कलर्स है अपने पास। पॉलीक्रोमैटिक मतलब मल्टीपल कलर्स है यहाँ पे, राइट? क्लियर, सो पॉलीक्रोमैटिक। चलिए नेक्स्ट वन कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ?
सो कोहेरेंट आप बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं आप कोहेरेंट, इसके पास टू प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वन वन जो भी है ना, सो कांस्टेंट फेज चाहिए, कांस्टेंट कांस्टेंट फेज होना चाहिए, फेज कांस्टेंट फेज होना चाहिए, और दूसरा प्रॉपर्टी जो भी है ना, सो सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गए, सेम फ्रीक्वेंसी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट फेज है, तो अपन बोलेंगे कोहेरेंट। के लेजर लाइट के पास कांस्टेंट फेज और सेम फ्रीक्वेंसी दोनों रहेंगे, हो गए कांस्टेंट फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब वेव क्रस्ट, क्रस्ट एंड क्रस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ, इसको बोलेंगे सेम फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे सेम फ्रीक्वेंसी। सो कांस्टेंट फेज मतलब दोनों के वेव्स में अगर डिफरेंस निकाले आप, ओके okay? सो यहाँ पे ऐसा जा रहा, सो स्टार्टिंग से इन जो भी है ऐसा जा रहा स्टार्टिंग से, सो फेज देखिए, सो यहाँ से जीरो 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 पे स्टार्टिंग हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करें आप जीरो, यहाँ पे पाई बाय टू, सो तो यहाँ पे एक मिनट कुछ हुआ गड़बड़, तो ओके सो मैंने देखा तो यहाँ पे पाई बाय टू, पाई बाय टू, ओके मैंने यहाँ पे पाई बाय टू ले लिया, मतलब यहाँ पे पाई बाय टू आ गया, सो सॉरी पाई बाय टू जीरो आ गया, पाई पाई मैंने सब्ट्रैक्ट कर तो जीरो आ गया, नेक्स्ट थ्री बाय टू जीरो आ गया, टू पाई सब्ट्रैक्ट करे तो जीरो आ गया, मतलब कौन सा भी दो वेव अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए, सो कांस्टेंट फेज आ गया, तो मैं आपने यहाँ पे जीरो 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 आ गया, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फेज। नेक्स्ट टाइम आएगा पाई बाय टू मे बी, नेक्स्ट टाइम आएगा फाइव फाइव जो भी है डिफरेंस आएगा, मतलब एक वेव से दूसरा वेव निकाल देंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कांस्टेंट फेज आना चाहिए, उसको बोलेंगे कांस्टेंट फेज, और सेम फ्रीक्वेंसी रहा तो उसको बोलेंगे कोहेरेंट। सो लेजर के पास हाई कोहेरेंस है, मगर ऑर्डिनरी लाइट के पास देर इज नो कोहेरेंस, देर इज नो कोहेरेंस, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा। नेक्स्ट वन इज हाईली डायरेक्शनल, ओके एक ही डायरेक्शन में जाएगा, देखो ऊपर के डायग्राम देखिए लेजर लाइट में, आप यहाँ पे देखिए तो सो हाईली डायरेक्शनल, पूरे एक ही डायरेक्शन में जा रहे, पूरे एक ही डायरेक्शन में जा रहे, यहाँ पे देखिए स्प्रेड हो गए, ऑर्डिनरी लाइट में पूरा स्प्रेड हो गया, इधर 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 स्प्रेड हो गए आपके। चलिए हाई इंटेंस, क्योंकि हाई डायरेक्शनल मेंटेन करेगा तो हाई इंटेंस लाइट फॉल ऑन पर यूनिट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे हाई इंटेंस, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, यहाँ पे स्प्रेड होने से क्या होगा ऑर्डिनरी लाइट पे, सो ये एक पर्टिकुलर एरिया पे जो लाइट गिर रही तो वो बहुत कम होगा, दो लेस इंटेंस बोलेंगे आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों, व्हाट इज अ पंपिंग मेथड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड फ्यू नेम द सम फ्यू पंपिंग मेथड्स। पंपिंग का मतलब क्या है सर, लेट अस कंसिडर टू एनर्जी लेवल्स, मैंने टू एनर्जी लेवल का डायग्राम, पता ही है आपको टू एनर्जी लेवल कहाँ से आ रहे, ये एटम था, एक आरबिट एक एनर्जी लेवल, दूसरा आरबिट दूसरा एनर्जी लेवल, टू एनर्जी लेवल ले लिया ई वन ए टू, जब भी आप इनपुट एनर्जी देंगे कुछ, यहाँ पे कुछ आपका एटम है, यहाँ पे इनपुट आप फोटॉन देंगे, मतलब इनपुट एनर्जी देंगे, फोटॉन कौन सा भी फॉर्म में होगा, मतलब लाइट फॉर्म पे है फोटॉन बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज देंगे, नए केमिकल रिएक्शन से मिलेगा इसका एनर्जी, यहाँ से रिसीव करके यहाँ पे क्या करेगा ऊपर जंप करेगा, मतलब सो ग्राउंड स्टेट लेके एग्जाइटेड स्टेट से, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो जब भी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे आप उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो ये बोलेंगे आपको पंपिंग प्रोसेस। ओके द प्रोसेस सेंडिंग, यहाँ पे दिया देखिए, सो द डेफिनेशन दिया, द प्रोसेस सेंडिंग द एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, बस लोअर टू एनर्जी हायर कब मिलेगा, जब आपको एनर्जी देंगे तो मिल जाएगा, कौन से टाइप का एनर्जी है, ए लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब ऑप्टिकल पंपिंग, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, केमिकल रिएक्शन से थोड़ा होगा, सो ये होगा डायरेक्ट पे सेमी कंडक्टर में जो जो मिलेगा डायरेक्ट डायरेक्ट पंपिंग बोलेंगे इसको, सो मतलब इंजेक्शन ऑफ करंट थ्रू दी पी एन जंक्शन, मतलब करंट ही भेजेंगे, मतलब डायरेक्ट इसके फॉर्म में भेजेंगे। नेक्स्ट वन इज सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स, सो गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन, ये थ्योरी में है और ये में, देखिए मैंने फिर से टू एनर्जी लेवल ले लिया था यहाँ पे, टू एनर्जी लेवल स्पॉन्टेनियस एमिशन में, व्हाट व्हाट यू ऑब्जर्व यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आप एटम जो भी है ऊपर है, ओके एटम जो भी है ऊपर है, अगर 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद अपने आप नीचे आ जाएगा, कितने सेकंड्स के बाद, 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद नीचे आएगा, जब भी नीचे आएगा जितना एनर्जी रिसीव करा उतना एनर्जी रिसीव एमिट करेगा, तो उतना एनर्जी कितना रिसीव करा था, ई इज इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन एनर्जी रिसीव करा था, तो एक ही एनर्जी एक ही फोटॉन को रिसीव करेगा एमिट करेगा, यहाँ पे देखिए 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन पे, मैं आया स्टिमुलेटेड एमिशन पे, यहाँ पे 10⁻³ सेकंड तक भी नीचे नहीं आएगा, जनरली अपने रूबी लेजर में जनरली कंसिडर करा, तो मतलब क्या हुआ 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद ये नीचे आ रहा ही नहीं, 10⁻⁸ सेकंड्स के
नीचे आ नहीं आ रहा, इट विल स्टे हियर मोर टाइम, इसको बोलेंगे मेटा स्टेबल स्टेट। क्या बोलेंगे? मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, ओके, मेटा स्टेबल स्टेबल स्टेट बोलेंगे, मेटा स्टेबल स्टेट। चलिए, मेटा स्टेबल स्टेट मतलब क्या हुआ, नीचे लेके आने के लिए थोड़ा सा इनपुट फोटॉन देना पड़ेगा, ये था अपना इनपुट फोटॉन। ओके, इनपुट फोटॉन देना पड़ेगा किसके लिए, एक्साइटेड लगे, ऑलरेडी फुल ऑफ स्टमक है ये, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा मतलब टच करेगा, जब भी टच करेगा ऊपर से नीचे आएगा तो कितने फोटॉन रिलीज करेंगे, सो एक आउटपुट फोटॉन होगा बाहर निकल जाएगा, उसके साथ साथ जो इनपुट फोटॉन आप दिए थे वो मिलके आएगा, मतलब सो दिस टू आर गोइंग टू मूव इन द सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फेज, देन वी हैव टू से सो दीज आर इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड ये जो भी होगा हाई इंटेंस रहेगा, हाई डायरेक्शनल रहेगा, कोहेरेंस रहेगा, सब नीचे प्रॉपर्टीज दी जा रही है। मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन में आउटपुट फोटॉन्स आर एमिटिंग ओनली वन सिंगल फोटॉन, इसको इनपुट की जरूरत ही नहीं है पड़ेगी। ओके, सो स्टिमुलेटेड एमिशन में आउटपुट फोटॉन्स आर एमिटिंग टू, ओके, इसके लिए सो स्टिमुलेट करने के लिए इनपुट फोटॉन अप्लाई होगा, वही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। सो बाकी के देखिए नीचे मैंने दे दिया था सेकंड में, ओके, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन मतलब सो ऑल द कलर सीड्स एमिटिंग स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट होगा, नहीं कोहेरेंट रहेगा इसके अंदर स्टिमुलेटेड में, हर हाई डायरेक्शनल रहेगा, हाई इंटेंस रहेगा, ये था मेजर डिफरेंस। सेम टेबल आप थ्री में भी यूज कर सकते हैं आप। चलिए बच्चों, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्शन, पॉपुलेशन इन्वर्शन का मतलब क्या है, देखिए दो डायग्राम में सिंपल में एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देखिए ग्राउंड स्टेट पे मोर नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब सो एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, नंबर ऑफ एटम्स एट ग्राउंड एनर्जी लेवल वन इज ग्रेटर मोर देन एन टू। ओके, एन टू में देखिए कितना कम है, दो है, यहाँ पे देखिए तीन चार पांच है, अभी देखिए जब भी एनर्जी देंगे आप पूरे स्टिमुलेट ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके एक्साइटेड स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे, तो आप देखिए एक्साइटेड स्टेट में सेकंड फिगर में देखिए एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स आर मोर बट ग्राउंड स्टेट में कम है, तो पहले का जो सीन था वो रिवर्स हो गया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इज इन्वर्टेड, पॉपुलेशन इन्वर्शन, किसके लिए क्या चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्शन, अगर ज्यादा पॉपुलेशन इन्वर्शन ऊपर रहा तो नीचे ज्यादा आएंगे एटम्स, नीचे ज्यादा आएंगे मतलब नीचे जो फोटॉन्स रिलीज कर रहा ज्यादा होगा, अगर स्टिमुलेटेड होगा तो दो फोटॉन्स, एक एटम नीचे आएगा तो दो फोटॉन्स रिलीज होंगे, एक एटम नीचे आएगा तो दो फोटॉन्स रिलीज होंगे, एक एटम नीचे आएगा तो दो फोटॉन्स, मतलब कितने, जितने एटम्स ऊपर है उतने नीचे आएंगे, उतने डबल वेव डबल फोटॉन्स बाहर निकलेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन में, तो अपने लिए फायदा आएगा, तो इसके लिए पॉपुलेशन इन्वर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर योर स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स, अपने पास कितने टाइप्स के लेजर है, सो सॉलिड लेजर, सो सिलेबस में आप सिलेबस में पढ़ रहे इंजीनियरिंग के बच्चे जो सॉलिड में पढ़ेंगे, सो तो कितने टाइप्स थे अपने पास, रूबी लेजर है अपने पास, रूबी लेजर, रूबी लेजर, रूबी लेजर, एंड सो नेक्स्ट वन इज एंडियाग लेजर, ओके, एंडियाग नियोडिमियम इट्रियम गार्नेट, एंडियाग लेजर है अपने पास, ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर है, गैस लेजर में बोलिए बच्चों कितने टाइप्स है अपने पास, हीलियम नियान है, ओके, हीलियम नियान लेजर है, CO2 लेजर भी पढ़ेंगे, CO2 लेजर भी है इसके अंदर, ओके, लिक्विड लेजर्स है, सेमीकंडक्टर लेजर्स है, होमो जंक्शन हेट्रो जंक्शन, होमो जंक्शन हेट्रो जंक्शन, ओके, होमो हेट्रो, कितने टाइप्स है अपने पास, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आप सीधी थ्योरी में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई, सो व्हाट फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लेजर पावर, पावर कंट्रोल करने के लिए क्या फैक्टर्स अफेक्ट है, एडजस्ट दी पंपिंग पंप पावर, ओके, सो पंपिंग पावर आप मतलब जो फोटॉन्स दे रहे हैं आप उसको एडजस्ट करेंगे तो आपका पावर कंट्रोल में रहेगा, तो ओके, तो पावर कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, चेंजिंग दी पंपिंग ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन बढ़ाएंगे कम करेंगे तो भी होगा, सो रेजोनेंट मिरर, मिरर्स को कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो भी पावर चेंज होगा इसके अंदर, ओके, मॉड्यूलेटिंग इनपुट करंट, इनपुट करंट को जैसे सेमीकंडक्टर में आप डिस्कस कर रहे हैं तो इनपुट करंट को आप इसमें पूरा प्रोसेस कहाँ पे होगा, गेन मीडियम में होगा, तो गेन मीडियम को आप कंट्रोल में रखेंगे तो पूरे फैक्टर्स लेजर आउटपुट पावर कंट्रोल में रहेगा। ओके, चलिए बच्चों ये था पांच पॉइंट मैंने दिया था, तो आपके लिए यूज है तो यूज करिए आप। नेक्स्ट वन इज सो हाउ कैन द वेवलेंथ ऑफ लेजर, पहले दे मैं बोला पावर, अब वेवलेंथ कैसा कंट्रोल करना चाहिए, द चॉइस ऑफ गेन मीडियम, तो गेन मीडियम को आप कैसे लेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट है। ओके, सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन द वेवलेंथ, मतलब
तो गेन मीडियम जनरली क्या है, मटेरियल होगा। मटेरियल क्या होगा, मेटल में जब आप सॉलिड में लेंगे तो रूबी लेजर लिए थे, इंडिया लेजर लिए थे, तो डिफरेंट मेटल्स लेंगे आप तो डिफरेंट वेवलेंथ मेंटेन करेंगे। टेम्परेचर ऑफ द कंट्रोल किसका टेम्परेचर है, गेन मीडियम का टेम्परेचर है, सेकंड वन वाला। ओके, प्रेशर ऑफ दी ट्यूनिंग मतलब गेन मीडियम में आप प्रेशर चेंज करेंगे तो सो वेवलेंथ भी चेंज होगा, राइट। सो मोड होपिंग एंड मोड सेलेक्शंस, राइट। सो एडजस्ट द कैविटी लेंथ, कैविटी लेंथ को चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा आपका लेंथ। ये था मैंने फैक्टर्स लिए था, फोर फैक्टर्स टू कंट्रोल द वेवलेंथ। व्हाट इज द एप्लीकेशन, लास्ट जनरली सब सब कुछ पूछेंगे, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेजर्स। ओके, जनरली पता है आपको मेडिकल एप्लीकेशन के लिए सर्जरी, डेंटल प्रोसीजर, मेडिकल इमेजिंग, ओके हर चीज में यूज करेंगे ये, राइट। सो नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन के लिए, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जैसा आपका इंटरनेट चल रहा, फ्री स्पेस कम्युनिकेशन जैसा फुटबॉल शो में आपको फ्री कम्युनिकेशन चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, कटिंग दी इंजन, तो आपको गाड़ी का इंजन कट करना है तो इसके करेंगे सीडी और वो क्या आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके कंप्यूटर में और फोन में। सो ऐसे जो भी है, 3D प्रिंटिंग, कटिंग मशीन्स ऐसे करेंगे। सो साइंटिफिक रिसर्च में स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा आप एटम के बारे में पढ़ना चाह रहे तो आप लेजर यूज करेंगे। ओके, सो ऐसे तरह डिफेंस में, सिक्योरिटी में, तो आपको पता है डिफेंस में कहाँ पे यूज करेंगे, स्कैनर कोडिंग में यूज करेंगे, रेंज फाइंडिंग में मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो वेपन कितने डिस्टेंस से आ रहा, क्या है आप यूज करने के लिए, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे जो भी है आपके एप्लीकेशन है, राइट। क्लियर बच्चों, ये थे अपने तो टॉप 10 क्वेश्चन इन द वाइवा लेजर एक्सपेरिमेंट में। ओके, थैंक यू।